इस वीडियो में हम लोग बीटा एमिशन के बारे में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में बीटा एमिशन क्या होता है एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कार्बन सिक्स फोर्टीन ये ब्रेक होता है है ना? जब न्यूक्लियस इसका ब्रेक होगा टूटेगा तो नाइट्रोजन सेवन फोर्टीन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस वन जीरो और साथ में एनर्जी सो ये क्या है बीटा पार्टिकल है जो रिलीज़ हुआ बीटा पार्टिकल और साथ में एनर्जी अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर कोई एलिमेंट एक्स है उसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है और ब्रेक हुआ अगर वाई एलिमेंट में ये वाई एलिमेंट में अगर ब्रेक होता है है ना वाई एलिमेंट में ब्रेक होगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ बाय वन छः से सात हो गया एटॉमिक नंबर सिक्स टू सेवन हो गया सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ बाई वन जेड प्लस वन एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड सो ए का ए हो गया एंड प्लस ई माइनस वन ज़ीरो और साथ में एनर्जी रिलीज हुआ इसको क्या बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस दिस वन इज डॉटर न्यूक्लियस दिस वन इज बीटा पार्टिकल यही बीटा पार्टिकल है ई माइनस वन जीरो बीटा पार्टिकल ई माइनस वन जीरो बीटा पार्टिकल मास नंबर जीरो अब इसमें जो सब पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे बीटा पार्टिकल में जो कुछ पॉइंट कंसिडर करेंगे वह है कि इसमें लॉस ऑफ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लॉस ऑफ वन यूनिट नेगेटिव चार्ज लॉस ऑफ वन यूनिट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम न्यूक्लियस तो आप कहोगे कि न्यूक्लियस में सर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है तो लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ से हो गया न्यूक्लियस के अंदर और मास नंबर यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा मास नंबर में नो चेंज ओके न्यूक्लियस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कहाँ से इसमें चेंज होता है नेगेटिव कहाँ से आता है तो देखिए ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक्चुअल में जब ब्रेक होता है न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है है ना ये न्यूट्रॉन है और किस में ब्रेक हो गया प्रोटॉन में ब्रेक हो गया और साथ में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया सो so, ये ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है न्यूक्लियस में ब्रेक होने के बाद तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ वन यूनिट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम न्यूक्लियस आप देखें सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एटोमिक नंबर जब बीटा एमिशन के ड्यूरिंग एटोमिक नंबर इंक्रीज बाई इंक्रीज बाई वन एटोमिक नंबर वन से इंक्रीज़ कर जाएगा और मास नंबर में मास नंबर में नो no चेंज ओके ठीक सो दिस वन इज़ बी टाइमिशन ये पॉइंट आपको याद रखना है ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है एंड दिस वन इज़ एग्जाम्पल